जाम किया है, क्योंकि हमारे किसान नेताओं का आह्वान था कि एक्सप्रेसवे जाम किया जाए। और ये हम जो कृषि तीनों कृषि कानून विधेयक जो सरकार ने बनाए हैं, इतने ये रद्द नहीं होंगे, इतने हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आज बंद किया है, अगला जो भी आह्वान होगा उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार हल्के में न ले, किसान जो बिल्कुल इतने बिल वापस नहीं होंगे, इतने अपने घर वापस नहीं जाएंगे, सारे दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। इसके बावजूद भी सरकार अगर आंदोलन को हल्के में ले रही है, कभी इसे सिखों का आंदोलन बताते हैं, कभी जाटों का आंदोलन बताते हैं, किसानों का आंदोलन है। हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम पहले किसान हैं और उसके बाद में जो भी खेती करने वाला या मजदूर हमारे साथ है वो सब किसान हैं। और ये आंदोलन तमाम भारत के किसानों का आंदोलन है। सरकार इस पर आँख खोल ले, कान खोल ले, इसकी सुनवाई कर ले। और अगर सरकार नहीं मानती है तो बहुत सरकार को इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कब तक रहेगा जाम? आज जाम 4 बजे तक है। इसके बाद अगली रणनीति क्या है? इसके बाद अगली रणनीति जो हमारे जो संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी जो रणनीति होगी, जो उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल वे के मविकला गांव के पास आज किसान यूनियन के किसानों ने पेरिफेरल पर कब्जा कर लिया है। तकरीबन 2 घंटे से किसान यूनियन के लोग पेरिफेरल पर बैठे हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। वहीं किसानों का कहना यह है कि यदि केंद्र सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती है तो आज यहां हुक्का पिया जा रहा है तो कल संसद भवन पर हुक्का पिया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को चलते हुए तकरीबन 100 दिन हो गए हैं और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ने भी अभी तक कोई सकारात्मक निर्देश नहीं दिए हैं। इसी के चलते आक्रोशित किसानों ने आज ईस्टर्न पेरिफेरल वाले पर कब्जा कर लिया और कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। किसानों का कहना यह है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसानों का ये आंदोलन बदस्तूर इसी तरह चलता रहेगा, रास्ते जाम होते रहेंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरा जाता रहेगा और किसान अपनी मांगों के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी, बागपत।